भिंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई में प्रदेश की जनता भ्रमित हो रही है। आखिर पंचायत चुनाव के रद्द होने का कारण शिवराज सिंह का संकल्प है या गृह मंत्री का बयान, दोनों ही संवैधानिक पदों पर है, इसलिए स्थिति स्पष्ट करें। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद भिंड से चार बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा है। 21 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराए जाए, जिसको माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने नकार दिया। 23 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी शासकीय संकल्प लाकर उन्होंने यह कहा कि बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव पंचायत के नहीं कराए जा सकते। 24 तारीख को माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री ने यह कहा कि ओमिक्रॉन और कोरोना की भयावह स्थिति की वजह से हम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अतः ये चुनाव नहीं कराए जा सकते। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जनता को बीच में क्यों इसमें पीस रहे हैं। आप रोज स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आपने अध्यादेश खुद का लाया हुआ, वो आपने 27 तारीख को वापस कर लिया। मध्य प्रदेश की वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो किसान थे, गांव में रहते थे, जिनके पैसे खर्च हुए, उनके ऊपर केस लग गए। माननीय शिवराज सिंह जी, आपको माफी मांगनी चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि गृह मंत्री की बात सही है या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सही है, या फिर कमलनाथ जी का लाया हुआ प्रस्ताव आपने ठुकराया, वो आपने गलती की। जय हिंद, धन्यवाद।